वो काफी बढ़िया है तो अगर आप 80 या 100 110 की स्पीड पे भी चलाते हैं हाईवे पे तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा खासा रहेगा ऐसे नहीं कि आपको लगेगा कि यार काश मेरी गाड़ी में हेडलाइट्स और बेटर होते हैं so, सो ओवरऑल हेडलाइट्स का थ्रो काफी बढ़िया है एंड वी आर विद इट अब एलिवेट में आपको 220 सौ mm बीस का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इस पूरी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है अब मैं आपके लिए कैटेगरी भी डिफाइन कर देता हूं तो इसमें क्रेटा सेल्टॉस कुशाक टाइगोन एस्टर हाई राइडर विटारा जैसी गाड़ियां इसमें आ जाती है अब होंडा एलिवेट की ऑन रोड मुंबई प्राइस तेरह से साढ़े उन्नीस लाख रुपए के बीच में पढ़ जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछू क्या क्या आप कार लोन्स पे भी उतनी ही रिसर्च करते हो जितना आप एक कार पे करते हो नहीं ना इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कोटक महिंद्रा प्राइम कार लोन्स अब आप सैलरीड हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो बिजनेस करते हो या इवन आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हो सभी प्रकार के लोगों के लिए यहाँ लोन ऑप्शन अवेलेबल कराए गए हैं एंड कोटक डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन आज इनका ब्रांच नेटवर्क मोस्ट सिटीज में है इनफैक्ट सारे बड़े डीलरशिप्स में भी इनकी प्रेजेंस है अब ये कंपेटेटिव इंटरेस्ट रेट के अलावा आपको काफी और बेनिफिट देते मेरे हिसाब से द टॉप वन इज स्टेप अप इजेपी तो आप कम ई से शुरू करते हो और साल दर साल जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है आप अपने EMI को भी वैसे ही बढ़ा सकते हो। और, जो आपका काम और आसान कर देगा ऑल इन ऑल एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है टू फाइनेंस कार विध कोटक महिंदर प्राइम तो इसमें आपको इंच व्हील्स टॉप एंड वेरिएंट्स पे आ जाते हैं है, वहां पे आपके पास 16 इंच के व्हील्स आते हैं अब जो स्पेयर व्हील आता है वो भी सोलह इंच का यहां दिया गया है होंडा एलिमेंट के जो वाइपर्स है उस पे कॉस्ट कट करके एक रेगुलर सेट ऑफ वाइपर्स दिए गए वैसे आपको जस्ट रेफरेंस के लिए बता दूं और एक्सपेंसिव सेट ऑफ वाइपर्स आते हैं जिसे एरो ट्विन भी कहा जाता है वो बॉश कंपनी के आते हैं और, और भी और कंपनीज के आते हैं ऐसे वाइपर्स तो उनकी प्राइस लगभग तीन गुना रहती है फ्रॉम दीज सेट ऑफ वाइपर्स एलिवेट की चाबी में आपके पास लॉक अनलॉक एंड रिमोट स्टार्ट का ऑप्शन है तो इसे आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो एलिवेट में दोनों फ्रंट डोर्स पे रिक्वेस्ट सेंसर्स दिए गए यानी कि अगर चाबी आपके पॉकेट में तो आप दोनों साइड के फ्रंट डोर्स को इजीली अनलॉक कर सकते हो एलिवेट में चढ़ने और उतरने में कोई दिक्कत नहीं आराम से आप चढ़ और उतर सकते हो जस्ट वन थिंग इंपॉर्टेंट इज दैट की थोड़ी हाइट ज्यादा है तो अगर कोई बुजुर्ग या जिसको पैरों में तकलीफ है उन्हें चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है एलिवेट में इस कैटेगरी का सबसे बड़ा बिगेस्ट बूट इन दिस कैटेगरी मिलता है 458 लीटर्स का और जब हमने इस पे लगेज टेस्ट किया तो स्मॉल मीडियम लार्ज तीनों साइज के सूटकेसेस आराम से, से बैठ गए और फिर भी सामान रखने की और जगह यहां बाकी थी डा इज डेफिनेटली बूथ स्पेस भी सबसे बड़ा है ग्राउंड क्ले भी सबसे बड़ा है क्या इंटीरियर में भी वैसी कहानी है आपके पास ब्लैक एंड टैन कलर के इंटीरियर आते हैं ये जो टैन है ये काफी रिच फील होता है एंड मोर देन दैट इट फील्स क्वाइट डिफरेंट एन क्लास ही टू इसमें जो आपको टैन दिया गया ऑन द डैशबोर्ड वो लेदरेट है तो इस वजह से सॉफ्ट दिया गया है। वरना जो बाकी के सारे एलिमेंट है डैशबोर्ड पे वो हार्ड प्लास्टिक है अब ओवरऑल जो इसका टच एंड फील है जो फिट फिनिश ऑफ प्लास्टिक है वो अच्छा है लेकिन ये कहीं से भी एकदम प्रीमियम इंटीरियर नहीं फील होता है एटलीस्ट द डैशबोर्ड सीट्स गाड़ी के काफी प्रीमियम लगते हैं एंड ओवरऑल जो इसका पैटर्न uh, दिया गया है उसमें ये काफी अपमार्केट फील इसको देता है और सीट्स जो है इस गाड़ी के काफी सॉफ्ट है तो हॉन्डा सिटी जैसे सॉफ्ट सीट देते लाइक सोफा लाइक आपको सिमिलर सीट्स मिल जाते हैं ऑन द एलिवेट एज वेल तो अगर आप सिटी के अंदर मेजरली चला रहे हो ना तो आप कंफर्टेबली पूरा दिन बैठ के इस पे जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के आवर्स like और सॉफ्ट है सीट तो आप धीरे धीरे सीट में थोड़ा ढसने लगते हो इस वजह से आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा सो यूल मिनट और ब्रेक एटलीस्ट सो ये एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर आ जाता है विद्ट सीट्स एलिवेट में जो ड्राइवर की सीट है वो कंप्लीटली मैन्युअल है इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट इसमें नहीं है सीट हाइट एडजस्टमेंट है बट एवरीथिंग इज मैन्यूल स्टीयरिंग व्हील जो है वो हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट किया जा सकता है जिसमें ये टेलेस्कोप बन जाता है विच मींस आपका एडजस्टमेंट कैन बी वेरी फाइन टू इसका जो टच स्क्रीन है दिस इज द फर्स्ट हॉन्डा पॉसिबली इन दैट अफोर्डेबल कैटेगरी जो आपको दस इंच की स्क्रीन दे रही है वरना आपके पास छोटी साइज की स्क्रीन जाती थी इसका ओवरऑल रिस्पॉन्स जो है काफी अच्छा है ब्राइटनेस इज ऑल्सो डिसेंट ओवरऑल जो यूजेबिलिटी ऑफ द स्क्रीन है वो बहुत ही अच्छा है अब इसमें जो रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है दैट डेफिनेटली इज नॉट एट पार विद द क्वालिटी ऑफ द कार ये एक मेजर इंप्रूवमेंट की यहां जरूरत है इसको खास करके जब आप रात को यूज करते तो बहुत ही सिंपलिस्टिक है एंड इट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर एज वेल हाँ जो ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग का कैमरा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है कंपैरेटिवली एंड आई फील वही सेम क्वालिटी आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा में भी मिलनी चाहिए थी प्राइवेट में आपके पास छोटे साइज का सनरूफ आता है यू डोंट गेट द पैनोरामिक सनरूफ लेकिन फिर भी ये छोटा होने के बावजूद भी इसकी साइज काफी बड़ी है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द स्मॉल या सिंगल पेन सनरूफ्स जो आते हैं उससे ये काफी बड़ा है इन साइज कंपैरेटिवली एलिवेट के जो डोर पैड्स है वहां पे आपकी एक एक लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाएगी प्लस आपके पास आगे दो कप होल्डर्स की भी जगह है यू ऑल्सो हैव अ मोबाइल चार्जिंग स्पेस जहां पे आप उसे वायरलेसली चार्ज कर सकते हो या अगर चार्ज नहीं करना है फोन केबल रखना है तो आप चार्जिंग मोड को ऑफ करके फोन रख सकते हो वहां पे आपका ग्लव बॉक्स इज़ डिसेंट इनफ इट्स नॉट द लार्जेस्ट ठीक ठाक आपको स्टोरेज स्पेस वहां मिल जाती है फ्रंट आर्मरेस्ट में भी आपके पास डिसेंट इनफवरऑल स्टोरेज स्पेस मिल जाती है वैसे होंडा एलिवेट में क्या क्या फीचर्स आते हैं मैं सारी लिस्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ एंड इवन द लिस्ट ऑफ सेफ्टी फीचर्स यहाँ छोड़ रहा हूँ आपके लिए जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन होंडा काफी कॉन्फिडेंट है कि अगर ये गाड़ी क्रैश टेस्ट होती है तो इसको पूरे फाइव स्टार आएंगे क्योंकि ये बनाई गई है

एलिवेट की रियर सीट अगर आप देखते हो तो ये काफी कंफर्टेबल है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द कार्स इन दिस कैटेगरी अब मैं आपको बताता हूं कैसे जनरली जो दूसरी गाड़ी आती है इस कैटेगरी में उसमें आप थोड़ा सीधा बैठते हो यहाँ पे ना आपको रिक्लाइन थोड़ा ज्यादा आ जाता है जिस वजह से आपका कंफर्ट थोड़ा बढ़ जाएगा एट द बैक साथ ही में जो आपका जनरली फ्लोर रहता है ना गाड़ी में वो एकदम स्ट्रेट फ्लैट रहता है यहाँ पे आपका फ्लोर जो है ना ऐसा है इंक्लाइन पे है तो इस वजह से अगर आप पीछे बैठोगे तो आप एकदम ऐसा कंफर्टेबली बैठ सकते हो बहुत ही आसानी से अब मैं आपको बहुत ही स्पेशल फैक्ट बताने वाला हूं अबाउट होंडा जो शायद ही कोई और आपके लिए पॉइंट कर पाएगा मैंने आपको ऑलरेडी क्या कहा था होंडा इज ट्राइंग टू टारगेट अ फाइव स्टार रेटिंग ऑन दिस कार अब एक ऐसी चीज है जिस वजह से इसे फाइव स्टार शायद ना मिले और वो पता है क्या है जो रियर सीट है ना वहां पे आपके पास दो थ्री पॉइंट सीट बेल्ट तो है बट बीच वाले पैसेंजर के पास लैप बेल्ट दी गई है तो इस वजह से आपको ये गाड़ी को फाइव स्टार मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं वहां पे अब बैक सीट पे क्या तीन लोग बैठ सकते हैं नहीं ओवरऑल गाड़ी काफी वाइड है चीज यह है कि तीन लोग अगर बैठेंगे हट्टे लोग तो उनके लिए थोड़ी जगह यहाँ डेफिनेटली टाइट होगी शोल्डर रूम में स्पेसिफिकली ओवरऑल एलिवेट में आपको बहुत ही अच्छा नी रूम दिया गया चाहे मिनिमम या मैक्सिमम की बात लो एंड इवन हेड रूम गाड़ी का काफी बढ़िया इन सेकेंड रो एंड कुड बी अ लिटल मोर बेटर ऐसे हाँ, डायरेक्टली बैठेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा बट जो बीच में पैसेंजर बैठेगा एक तो उसको हेडरेस्ट नहीं मिलता है दूसरा ये जो ए सी वेंट्स है काफी पीछे तक आते हैं तो इस वजह से उसको थोड़े पैर फैला के बैठना पड़ेगा थोड़ा शोल्डर्स और फैला के बैठेगा मोस्टली तो इस वजह से ओवरऑल तीन लोगों के बैठने में थोड़ी इनकन्वीनियंस यहाँ हो सकती है पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए आपके पास ए वेंट्स है और साथ में आपके पास एक ट्वेल्व वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल कराया गया है रियर डो पैड में आपके पास एक एक लीटर बॉटल रखने की जगह है और पीछे जो सीट्स है उसके पीछे आपके पास पॉकेट्स तो है पॉकेट्स भी है जहां पे आप फोन भी इजीली रख सकते हैं अब बारी होंडा एलिवेट को ड्राइव करने की कर दिया इसको स्टार्ट डाल दिया ड्राइव मोड में एंड गो एलिवेट में आपको वन लीटर की पेट्रोल इंजन आती है ये नॉन टर्बो है पर ये आई वी टेक है, कि आपको वो एक्स्ट्रा पावर देगी हायर अब ये जो है ना, पावर मिल जाता है शहर में चलाने को या हाईवे so किसी को ओवरटेक करना है सिटी या हाईवे पे इजीली कर सकते हो प्लस इसका जो मैनुअल गियर बॉक्स है वो इतना अच्छे से ट्यून्ड है कि आपको ज्यादा गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन मोस्ट केसेस लिटरली आप गाड़ी का पिकअप मिल सकता है आपको From almost any kind of gears at any speeds in most conditions. अब 130, एक सौ तीस ये गाड़ी को के करोगे ना वहां पे थोड़ा इसमें पावर कम फील होगा क्योंकि आज बाकी की जो गाड़ियां हैं वो आपको टर्बो पेट्रोल इंजन देती है जिसमें आपको ज्यादा बेहतर पावर मिलता है तो ये गाड़ी 130, 140 तक जाना है इट इज गुड इनफ ऐसे नहीं कि ऊपर नहीं जाएगी बट उतना आसानी से मिल जाएगी अब इसकी जो खासियत और एक पता है क्या है, ये इंजन जो भी नॉन टर्बो इंजन है ना उनसे बहुत ही बेहतर परफॉर्म करती है साथ ही में परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज भी ज्यादा बेहतरीन देती है तो ये बहुत ही रेयर रह रहता है कि आपको अच्छा माइलेज एंड परफॉर्मेंस दोनों मिले बट एलिवेट डज दैट फॉर यू मैन्यूअल एंड सीबीटी दोनों आपको काफी बढ़िया माइलेज देते हैं उसी के साथ साथ इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है अगर आप खराब रोड पे काफी फ्रीक्वेंटली जाते हो आपको गड्ढे इतने आसानी से महसूस नहीं होंगे एंड इसकी ओवरऑल जो हैंडलिंग है ना वो भी काफी अच्छी है तो अगर आप घाट्स पे जा रहे हो या आप हाई स्पीड पे गाड़ी भगा रहे हो देन इन दैट केस इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी काफी अच्छी है आपको एक, एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देती है इसका स्टीयरिंग व्हील भी बहुत लाइट है अगर मैनुअल लेते तो उसका क्लच बहुत लाइट है गियर शिफ्ट्स एकदम स्मूथ है जिस वजह से आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी बेहतरीन हो जाएगा और एक चीज ऐसी है इस गाड़ी में जो शायद ही कोई और गाड़ी आपको दे पाएगी और वो है इसका हाई सीटिंग पोजीशन एलिवेट में आप जहां बैठते हो आपको बोनेट के ऑलमोस्ट पूरे एजेस दिख जाते हैं जिस वजह से आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है ज्यादा बेहतरीन हो जाता है एंड आपको प्रॉपर एसयूवी फील आता है अब यहां पे आप एकदम ऊंचे नहीं बैठे हो बट बिकॉज ऑफ बॉनेट विजिबिलिटी आपका जजमेंट ज्यादा आसान हो जाता है और इससे पहले अगर आपने ये साइज की गाड़ी नहीं चले आप छोटी साइज की गाड़ियां चला रहे थे तो आपको गेट यूज टू इट होने में भी ज्यादा समय नहीं लगने वाला है सो ऑल दीज फैक्टर्स इज वेयर आपका एलिवेट के साथ जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफी बेहतर हो जाएगा अब हमने ये गाड़ी को पहाड़ पे भी चढ़ा के देखा आराम से चढ़ गए बिना किसी प्रॉब्लम के इट इज क्वाइट इजी टू पुश दिस कार इवन अगर लोडेड है इसकी ब्रेकिंग भी डीसेंट इनफ है अगर मैं ये सेगमेंट की SUV से कंपेयर स्पीड ब्रेकर टेस्ट में हमने नोटिस किया कि राइड क्वालिटी गाड़ी की काफी बढ़िया है इवन एट लो स्पीड एंड इवन जो इसके ए पिलर्स है वो छोटे है जिस वजह से अगर आप नैरो रोड पे चला रहे हो तो आपको ब्लाइंड स्पॉट नहीं फील होगा और इसकी मिरर साइजेस भी काफी बड़ी है तो उम्मीद करता हूं आपको जो इन्फॉर्मेशन यहां चाहिए थी वो मैंने पूरी तरह क्लैरिटी में लेके आया हूं कोई और आपके लिए नहीं करने वाला है अब बिफोर आई मूव ऑन टू द वर्डिक्ट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कोटक महेंद्र प्राइम लोन्स को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए फॉर योर नेक्स्ट कार इनफैक्ट आप एसएमएस कर सकते हैं सी लोन टू फाइव सिक्स सेवन सिक्स सेवन डबल एट या फिर मैं आपके लिए लिंक छोड़ देता हूं इन द डिस्क्रिप्शन वहां पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अब हॉन्डा एलिवेट जो है ना ओवरऑल देखेंगे आप तो काफी ज्यादा चीजें आपको देती है जो दूसरे कॉम्पिटिशन गाड़ियां नहीं देती है प्रैक्टिकलिटी इन स्पेस वेरी हाई ग्राउंड क्लियरेंस मैसिव बूट स्पेस और एक ऐसी इंजन जो आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी देती है एंड साथ ही में माइलेज भी देती है सो तो आपके पास ऑटोमेटिक एंड और मैनुअल दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल कराएगा

क्योंकि आप में से काफी लोग ये रिक्वेस्ट हमसे कर रहे थे मैक्सिमम कंपैरिजन रिक्वेस्ट हमें एलिवेट एंड सेल्टॉस का आया था क्या आप चाहते हैं हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो कमेंट्स में लिखिए यस प्लीज डू अ कंपैरिजन बिटवीन एलिवेट एंड सेल्टॉस ताकि हमें पूरी क्लैरिटी मिल सके तो हम आपके लिए तब जाके ये वीडियो बनाएंगे अब अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं देन इन दैट केस मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हमसे लाइक मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के ना अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं ऐसी सर्विस आपको कोई नहीं देने वाला है अब आपको करना क्या है इसके लिए सिर्फ चले जाइए मोटरॉकटेन डॉट कॉम स्लैश कार कंसल्टेंसी वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विध एन एक्सपर्ट बहुत ही आसान चीज है और साथ ही में अगर आप आज गाड़ी नहीं ले रहे आप अगले कुछ छह आठ महीने बाद गाड़ी ले रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ ये सारी कैटेगरी की गाड़ी है ना उनको अपग्रेड आने वाला है तो आप फेक न्यूज के चक्कर में मत फंस जाइए इंटरनेट पे बहुत फेक न्यूज आती है उसी के लिए टू अवॉइड दैट और आपको सही इंफॉर्मेशन मिले इसके लिए हमने न्यूज चालू किया तो मोटरॉकटेन डॉट कॉम स्लैश न्यूज रोजाना चेक कीजिए सुबह उठते ही पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए वो मोटरॉकटेन डॉट कॉम स्लैश न्यूज और ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द होंडा एलिवेट। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ऑन द एलिवेट वर्से मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस टेक केयर सब्सक्राइब जरूर करना बाय